नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का फोन नहीं आया है। अगर वो समय पर सतर्क होते और सार्वजनिक मुद्दों पर काम करते तो बीजेपी को इसका सामना नहीं करना पड़ता। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी के जिस नेता ने मुझसे बातचीत की उनसे मैंने ससम्मान बातचीत की। मैंने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बंसल से बात की। उन्होंने कहा, मेरी नाराजगी स्वाभाविक है। पार्टी के उपेक्षात्मक रवैये के कारण ही निर्णय लेना पड़ा है। मुझे इसका दुख नहीं है। नाराजगी की वजह जहां बतानी थी बता दी गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहे। हरिओम यादव ने इस दौरान कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य फूके हुए कारतूस हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिना शर्त के बीजेपी ज्वाइन की है, पार्टी को मजबूत करेंगे। रामगोपाल यादव जैसे लोगों के होने से सपा अब खत्म हो रही है। वहीं नरेश सैनी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के नेतृत्व से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की। सपा में मेरे जाने की अफवाह थी लेकिन मैं जा नहीं रहा था। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने दावा किया था कि मेरे साथ अभी विधायक मसूद अख्तर जा रहे हैं और विधायक नरेश सैनी दिल्ली से लखनऊ के लिए आएंगे। वहां वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों के मामले में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे साक्षी महाराज का कहना है कि जो विधायक बीजेपी को छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थामने की सोच रहे हैं उनके पैरों तले से राजनीति की जमीन खिसक रही है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का बीजेपी में काम करना पड़ रहा है जो उन्हें रास नहीं आ रहा। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बीजेपी 350 सीटों पर विजय दर्ज कर फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। नहीं, थोड़ा संशोधन कर लीजिए, ये भाजपा के लोग थे ही नहीं, स्वार्थवश आए, स्वार्थ हल हो गया, अब दिखाई दिया जमीन खसक रही है तो कहीं और स्वार्थ सिद्धि के लिए चले गए। जो भाजपा का होता है वो भाजपा का था, भाजपा का है, भाजपा में ही रहेगा, वो भाजपा को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। वो संस्कारवान संघ के संस्कारों का तो भाजपा का है, वो कहीं नहीं जा सकता। वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं और आते जाते अपनी कड़वी मीठी यादें छोड़ जाते हैं। तुम्हारा जी, इसका मतलब जो ऐसे आपने कहा जमीन खिसक रही है, तो इसका मतलब भाजपा की जमीन खिसक रही है? भाजपा की जमीन कभी तो भागने कभी नहीं, अपनी स्वयं की जमीन, जिनका स्वयं की जमीन काम न करने के कारण भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, वो किसी नेता को MLA MP मंत्री को खाली नहीं छोड़ती, काम लेती है। और जो काम नहीं करेंगे उनकी तो जमीन खसकी जाएगी, तो या तो उनकी टिकट कट जाएगी या वो हार जाएंगे। तो आदमी अपने आप अपना आकलन करता है, लेकिन आदमी अगर काम ठीक करे, गुड़ न भी दे, गुड़ जैसी बात जनता से करे, तो हमारे हिंदुस्तान की जनता इतनी भली है, सीधी है, धर्म प्रधान है कि वो सम्मान करना जानती है। देहरादून स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में युवा बीजेपी नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभा बीजेपी प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर पूरी हो जाएगी और जल्द ही बीजेपी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, लोग बीजेपी की नीतियों से खुश हैं और लोग बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पार्टी आलाकमान जिस किसी को भी टिकट देगी उसे सभी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सभी नेता पूरी तरीके से आगामी आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारी में लग चुके हैं, जुट चुके हैं। और उसी प्रकार कार्यकर्ता भी और हमारी आम जनता भी, सभी लोग पार्टी की आने वाली जीत के लिए सुनिश्चित हैं। और उसी प्रकार से जो आप टिकट वितरण की अगर बात करें, तो लगातार हाईकमान द्वारा और हमारी जो सेक्रेटरी बोर्ड की जो बैठक, हमारी जो मीटिंग चलती रहती है ऊपर कैबिनेट रैंक में, लगातार ये सब बैठकें भी चल रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले एक हफ्ते में शायद टिकट की जो घोषणा की प्रक्रिया है वो शुरू हो जानी चाहिए। और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भारी बहुमत की सरकार बनाएगी। वहीं रुद्रपुर जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कंवर ने संयुक्त रूप से शहर के डीडी चौक से नैनीताल हाईवे तक शहर में फ्लैग मार्च किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कंवर ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद को सुपर जोन, जोन सेक्टर में बांटा है और जनपद में पर्याप्त बल्कि हमने व्यवस्था कर ली है। आज एरिया डोमिनेशन के नाम पर हम लोग यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो पर्याप्त संख्या में हमारे CAPF के लोग कंपनियाँ हैं, जो कि हमारे अपनी जो PC के हैं, हमारे स्थानीय पुलिस प्रशासन के, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं। जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होती है उसके बाद हमारे क्षेत्र में बाहर से सुरक्षा बल आता है, उस सुरक्षा बल को हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं फ्लैग मार्च के तौर पर। उससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं, एक तो जनता को भरोसा होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल है और वो निष्पक्षता से अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एरिया को समझ लेती हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर किस तरह से मूवमेंट करना है उनके लिए सजग हो। सर, चुनाव आचार संहिता लगभग लगभग 3 दिन का समय बीत चुका है, जगह जगह फ्लैक्स बोर्ड और वॉल पेपर नजर आ रहे हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? दो तरह की चीज़ें हैं, जैसे आचार संहिता लगती है उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें से पॉलिटिकल होर्डिंग्स एंड फ्लेक्सेस और डिफेसमेंट्स हटाए जाते हैं। और आज भी हम लोगों ने शहर में देखा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे पब्लिक पॉलिटिकल डिफेसमेंट्स कोई मौजूद नहीं है। और दूसरा है कि जहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जो लीगल, जिस पर एडवर्टीजमेंट लगते हैं, वो भी इक्विटेबल तौर पर सभी प्रत्याशियों के मध्य इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रावधान। इच्छा में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह का राष्ट्रीय हाईकमान की तरफ से टिकट फाइनल हो गया, जिसके बाद उन्होंने आप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान कुलवंत सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी का जो विजन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रखा है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबकी मेहनत से आज दिन देखने को हमें मिला है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद अपने शीर्ष नेतृत्व, यानी कि जो हमारे ऊपर जो अपर जो जो भी नेता बैठे हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी इच्छा के लिए सौंपी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन्होंने उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर हम 100% करेंगे और किच्छा विधानसभा उन्हें जीत के देंगे। उत्तराखंड में आचार संहिता लगने के बाद सभी विधानसभाओं में पार्टियों के लगे पोस्टर और बैनर को नगर निगम और नगर पालिका की तरफ से उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगे पार्टियों के पोस्टर और बैनर उतारे जा रहे थे। इसी दौरान विधायक आदेश चौहान का पोस्टर आचार संहिता के तहत उतारना एक शिवालिक नगर पालिका कर्मचारी को महंगा पड़ गया। पालिका कर्मी जैसे ही शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में झंडे और पोस्टर हटा रहा था तभी BJP कार्यकर्ता भड़क गए। फिर क्या था, भीड़ ने पालिका के कर्मचारी को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि कर्मचारी चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार शहर भर में पोस्टर और बैनर उतार रहा था, तभी एक घर के बाहर वो जैसे ही पोस्टर हटाने लगा तभी BJP के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया और पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। बाद में मामले की जानकारी मिलते ही विधायक आदेश चौहान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारी को ज्ञान देते हुए कहा कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर 3 झंडे और 1 बैनर लगाना
आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन घर के मालिक की उसमें रजामंदी होनी चाहिए। वहीं विधायक ने दोनों पक्षों में मामला रफा दफा करने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आबकारी विभाग में निरीक्षण कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव के समय अवैध शराब का कारोबार के लिए छापेमारी अभियान में तेजी लाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जिले की सीमाओं पर आबकारी टीम की तैनाती करें, जिससे वो नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग कर सकेंगे। जनपद में जो आने वाले प्रमुख मार्ग होंगे, प्रमुखता से धुमाकोट नेशनल हाईवे जो जहाँ पे जनपद रामनगर से जुड़ता है, साथ में जहाँ पर हमारा कौड़िया बैरियर है जो बिजनौर जनपद से जुड़ता है, लक्ष्मण झूला बैरियर जो तीन जनपदों की सीमा को सम्मिलित है, जिसमें देहरादून हरिद्वार टिहरी जनपद की सीमा से लगे हुए हैं, और देवप्राग का जो बैरियर है वहाँ पर प्रमुखता से हम लोग को आबकारी का भी टीम को तैनात करना है। साथ में जो उनके द्वारा एनफोर्समेंट एक्टिविटी की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, इसमें अभी तक जो है उन्होंने शून्य सीजर्स किया है, कोई भी मामला ऐसा संज्ञान में नहीं आया है जहाँ पर कोई बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया है, तो वो भी मुझे लगता है कि उनको अपना एक्टिविटी को और अपने कार्यप्रणाली को सुधार करना पड़ेगा। साथ में जहाँ जहाँ पे चेक पोस्ट बनाई जाएगी, मैंने निर्देश दिया है कि आबकारी चेक पोस्ट के ऊपर CCTV जो है अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा, ताकि उसका मॉनिटरिंग नियमित रूप से हो सके। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने तरीकों से प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में खानपुर विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, चुनाव की तैयारियों को लेकर उनसे खास बातचीत की है हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने। क्या कुछ कहा प्रणव सिंह चैंपियन ने, इसको जरा सुनिए। उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। हालांकि 15 जनवरी तक चुनाव प्रचार पर अभी रोक लगाई गई है। खानपुर विधानसभा के विकास पुरुष कहे जाने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार के विधायक हैं, 2 बार लक्सर से विधायक हुए, 2 बार खानपुर से विधायक हुए हैं, 5वीं बार तैयारियों में हैं। किस तरह की तैयारियां हैं उनकी, इनसे बात करते हैं। विधायक जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। चुनाव बिल्कुल बच चुका है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हम तो साहब सेवक हैं, जो विकास परक सेवक होता है, मुख्य सेवक मैं तो वो हूँ। जनता के बीच में 365 दिन 5 साल रहा हूँ। जो दिक्कत, जो मसाइल, जनता की समस्याएं होती हैं, सरकार से उनका निवारण कराता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि विकास परक मेरी विकास यात्रा रहती है, मैं विनाश परक नहीं रहता, ना राजनीति इस तरह करता हूँ कि मुकदमे कराऊँ, लोगों को फंसाऊँ, परेशान करूँ। मेरा काम है उनमें से अविश्वास हटा करके विश्वास पैदा करना। और बहुत बड़ा तोहफा ऊपर वाले के फजल से, ईश्वर कृपा से हमने इस बार दिया है, सिडकुल का तोहफा। जो हमारे बेरोजगार नौजवान प्यारे युवक हैं, उनसे मैंने वायदा किया था पिछले चुनाव लड़ने से पहले, और वो मैंने चुनाव से पहले पूरा कर दिया। इसमें ईश्वर की बहुत बड़ी मैं अपने ऊपर कृपा मानता हूँ। विधायक जी, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, इस तरह की कहावत है। आप आह भी करते हैं तो कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, क्या वजह है इसकी? मैं नहीं मानता इस बात को, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। विकास पुरुष आपने कह दिया था पहले ही, विकास पुरुष तो नहीं, मुख्य सेवक हूँ और सेवा करता हूँ जनता की अपनी तहे दिल से। लोग आप पर जरा, ये उमेश कुमार जो इन्हें पत्रकार, हम पत्रकार नहीं कहेंगे, हम नेता कहेंगे, क्योंकि पत्रकार का नाम लेके उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया है, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारे मेहमान हैं बेचारे, मेहमान नवाजी उनकी करेंगे। मेहमान आता है, मिठाई दूध जो जिसके यहाँ देता है, और मेहमान चला जाता है, वही उनका रुखसार भी है। जिस लिहाज से वो आए हैं उसी लिहाज से वो चले जाएंगे। वो तो आपके दाद की कला, आपके जो मुख्य गाँव हैं वहाँ जाके आपको चैलेंज कर रहे हैं, क्या क्यों चैलेंज कर रहे हैं? कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी सोच है, हमें उनसे कोई किसी किस्म का भी कोई रोष रकवा नहीं है। वो मेहमान हैं, मेहमान बन के आए हैं, घूमें और फिर चले जाएंगे। टिकट की क्या है इस बार, कहाँ से, खानपुर से चैंपियन साहब चुनाव लड़ेंगे या रानी जी लड़ेंगे यहाँ से?
देखिए, जो पार्टी मुनासिब समझेगी, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसका हम आँख मिंद के पालन करेंगे, जो पार्टी हमें निर्देश देगी उसका पालन होगा। आखिरी सवाल चैंपियन साहब, उमेश कुमार जी के पीछे बीजेपी के कुछ बड़े नेता लगे हुए हैं, उनको खानपुर से चुनाव लड़ने के उसमें खासकर हरक सिंह रावत कहें या अनिल बनूरी जी कहें, उनके खासम खास माने जाते हैं, क्या वो चुनाव यहाँ से टिकट लेने में कामयाब होंगे? मैंने फिर कहा ना, ये सवाल ही बेमायने का है, उनको हम मेहमान मानते हैं। हरक सिंह रावत जी के बारे में क्या कहना है? अच्छा आदमी है, बढ़िया हैं, बड़े नेता हैं, हमारे भाई हैं। हरक सिंह रावत जी हमारे भाई हैं। आपकी पार्टी के नेता जो हैं, यशपाल आर्य जी हो या उनका लड़का हो, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। कयास लगाया जा रहा है कि जितने भी विधायक नेता पहले 2016 में कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उनमें से ज़्यादातर की वापसी हो रही है, इस पे क्या कहना है? देखिए, उनकी वो जाने हम अपनी मानते हैं, हम जहाँ हैं वहाँ तटस्थ हैं, अपनी कह सकते हैं, दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुंवर पंडित सिंह चैंपियन, जिनका साफ तौर से कहना है कि जब उमेश कुमार जी के बारे में उनसे सवाल किया जाए, वो कहने लगे वो मेहमान हैं, मेहमान नवाजी करके वो यहाँ से चले जाएंगे। जब इनसे बात की गई कि जो 2016 में कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए थे, क्या उनमें उनके आने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आप भी उसमें शामिल हैं, तो इनका साफ तौर से कहना है कि मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। कोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रामपुर और प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। चुनावी बिगुल के बीच जल्द ही सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से बाहर आने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ जिले के कई थानों में दर्ज 43 मुकदमों में जमानत मंजूर हो चुकी है और अब उनकी रिहाई का परवाना भी पहुंचना शुरू हो गया है। 9 मुकदमों में जमानत दाखिल करने के बाद कोर्ट ने रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं। रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान का गृह जनपद रामपुर है। वो शहर विधानसभा सीट से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में रामपुर के सांसद हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा शहर की विधायक हैं। संत कबीर नगर में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद संत कबीर नगर में राजनीतिक तापमान दरअसल बढ़ने लगा है। राजनीतिक दल के लोग संत कबीर नगर में चाय पर चर्चा कर सरकार बना और बिगाड़ रहे हैं।
संत कबीर नगर में ऐसे ही एक चाय की दुकान पर विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की हमारी संवाददाता हेमंत सिंह ने, आप भी इसको सुनिएगा। आचार संहिता लग चुकी है, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ और अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। और हम इस वक्त खड़े हैं संत कबीर नगर की खलीलाबाद शहर में और यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये चाय की मशहूर दुकान है संत कबीर नगर के खलीलाबाद की। और इस दुकान पर अच्छे और यहाँ के प्रतिष्ठित लोग कोई ऐसा नहीं है जो कि चाय पीने नहीं आता हो और यहाँ की चाय का स्वाद भी जो है कुछ अलग ही रहता है और लोग यहाँ की चाय की चुस्की के साथ चाय के तलबगार होकर यहाँ चाय की चुस्की लेने आते हैं। और यहाँ पर देखें कि हमेशा लगभग देर रात तक जो है नेता से लेकर सभी अधिकारी तक इस दुकान पर आते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं और इसी दुकान पे जो है राजनीतिक दल सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा का माहौल क्या है, माहौल यहाँ कितना गर्म है। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पत्रकार हैं हमारे संत कबीर नगर के, इन्हीं से जानते हैं कि कितना माहौल यहाँ का गर्म है और राजनीतिक तापमान कितना चढ़ा हुआ है। जी, आपको बता दें, जैसे ही चुनाव आचार संहिता यहाँ लागू हो गया है, राजनीतिक पार्टियों में एक उत्साह की तरह यहाँ लोग उत्साह जैसे मना रहे हैं। बात की जाए संत कबीर नगर की तो 3 विधानसभा, लेकिन विकास की बात की जाए अभी कुछ नहीं यहाँ पे हुआ है। एक बस डिपो तक नहीं बन पाया यहाँ पर और बगल के ही ज़िले में कुशीनगर में हवाई अड्डे बन गए हैं, लेकिन ज़िले में एक डिपो तक नहीं मिल पाया। एक शुगर मिल था, वो भी उजड़ कर यहाँ से चला गया है। तो विकास पहली प्राथमिकता यहाँ पर है। विकास की पहली प्राथमिकता संत कबीर नगर में है, बल्कि गोरखपुर बगल का ज़िला है और यहाँ पर गोरखपुर में विकास देखने को मिला, कुशीनगर में मिला, लेकिन संत कबीर नगर निज़ाम भले ही बदले हों लेकिन यहाँ हालात अभी जस के तस हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं केडी यादव जी, उनसे जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति कितनी कैसी है और संत कबीर नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थिति इस समय हमारे पूरे जनपद में बहुत शानदार है और जब हमारी सरकार हुआ करती थी माननीय अखिलेश यादव जी की, तो आज जितना ही सड़कों का विकास, यहाँ के लोगों की शिक्षा का सवाल जो था, बिजली का सवाल था, सब में समाजवादी पार्टी बेहतर काम किया था। लेकिन आज हमें इस जनपद की हालात को देख करके, क्योंकि मुख्यमंत्री के पड़ोसी जनपद होने के बाद भी यहाँ पर जरा सा भी विकास की कोई भी किरण यहाँ नहीं दिखाई दी। सारी सड़कें टूटी हुई हैं और सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, रोजगार के लिए लोग सब परेशान है, व्यापारी भी तबाह है। तो हम आज के समय में, जो चुनाव का समय जो बिगुल बज चुका है, आज हर समाज के लोग ये सोच रहे हैं अब की बार हम लोग समाजवादी पार्टी को सरकार को हम बनाएंगे या वोट देंगे, चाहे जो भी आएगा समाजवादी सरकार पार्टी से, आज उसको जिता करके माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के गौहर अली खान साहब और चाय की चुस्की ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तापमान ने भले ही उस तापमान का जो है पारा गिरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक जो है माहौल जो है गर्म है। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है कितनी मजबूती से लड़ रही है और विपक्ष समाजवादी पार्टी की नज़र में कैसा है। समाजवादी पार्टी जनपद संत कबीर नगर से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पे मजबूती से लड़ रही है और जनपद संत कबीर नगर में हम लोगों ने 5 साल तक जो है जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, उनको हम लोगों ने नाको चना चबाने का काम किए हैं और हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी का सभी कार्यकर्ता और नेता एक साथ रह करके और इनको जो है सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। आगामी 2022 के चुनाव में जो अगले माह में होना है, हम लोगों की 3 सीटें जनपद की हम लोग जिता करके और समाजवादी पार्टी के झोले में डालेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी सेंध लगाने में बड़ी माहिर है, बीजेपी में सेंध लगा के और उसका विधायक चुरा लिया आप लोग। समाजवादी पार्टी किसी में सेंध नहीं लगाती है, सोता है। आज जनता में जो जनाधार समाजवादी का बढ़ा है, उसको देखते हुए बसपा और भाजपा के तमाम विधायक अभी आज देखे होंगे, आज पार्टी के बिलसी से भाजपा के विधायक अजय किशन शर्मा भी शामिल हुए हैं, तमाम इमरान मसूद शामिल हुए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अभी बहुत बड़े गद्दावर नेता जो बीजेपी के हैं, पिछड़े जाति से आते हैं, वो सब 15 तारीख को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि जनता को और नेताओं को एहसास हो गया है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के आने से ही जनता का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। आप देखे होंगे कि लगातार 5 साल में
एक भी काम संत कबीर नगर में इस भाजपा सरकार में कहीं भी नहीं हुआ है। एक आप पुल देखे होंगे जो समाजवादी सरकार में धनघटा से खलीलाबाद रोड आता है वहाँ मखलितपुर में डबल पुल बन गया, लेकिन खलीलाबाद से मेहदावल जाने वाला जो रोड था जो तहसील को जोड़ने वाला था चार लेन का समाजवादी पार्टी ने स्वीकृत भी कर दिया था, लेकिन वहाँ बालू शासन आमी नदी पर एक पाँच साल में लगातार में पाँच साल में बीजेपी सरकार थी, एक पुल नहीं है जो पुराना पुल सकरा है। और आप मेहदावल जाना चाहते होंगे 25 किलोमीटर अगर दो घंटा लगता है, ये संत कबीर नगर के विकास की खाका है और जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। सब अखिलेश के चेहरे पर इस बार उम्मीदवार समाजवादी का जो भी आएगा, लेकिन अखिलेश के चेहरे पर जनता नौजवान किसान बुनकर वोट देना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी संत कबीर नगर की तीनों विधानसभा चुनाव जीतेगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार बनेगी। 11 तारीख को जो 10 को गणना होगी तो संत कबीर नगर से तीनों विधानसभाएं हमारी पूर्ण बहुमत से भारी मत से हम जीतेंगे। तो समाजवादियों का मानना है कि सरकार जो है जीतेगी, आप बताओ क्या मानते हो कि किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, इस बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होगा, इस बार रोजगार का मुद्दा होगा, महंगाई कम करने का मुद्दा होगा, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा होगा और संत कबीर नगर की रोडें और सड़कें और फैक्ट्रियों क्या नाम सुंदरीकरण का मुद्दा होगा। तो इन सब मुद्दों में भाजपा फेल थी, योगी आदित्यनाथ जीरो हैं और इसी सब मुद्दों को देखते हुए संत कबीर नगर की जनता इस बार तीनों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने जा रही है और अखिलेश यादव जी को के चेहरे को पसंद कर रही है, क्योंकि पिछली सरकार में जो अखिलेश यादव जी ने विकास के काम किए थे उनको देखते हुए संत कबीर नगर की जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और संत कबीर नगर की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप क्या मानते हो कि आखिर किस समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी की सरकार इसके पहले जब थी जितने विकास योजनाएं समाजवादी पार्टी के समय में चला है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न में काम कर रही है, कोई नया काम इन्होंने नहीं किया है। अब आज हर समाज वर्ग भेद जात भेद से हट करके सार्वजन समाज ये मन बना लिया है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ को हम वोट करेंगे। उनका मानना है साफ तौर पे कि जो भी सरकार आए उनको शिक्षा सड़क और रोजगार और जो मुद्दे हैं वो किसानों को भी सहूलियत मिल सके और उसी मुद्दे को लेकर जो है अब की बार संत कबीर नगर के मतदाता वोट करेंगे। फिलहाल सरकार किसकी बनेगी ये तो आने वाले 3 मार्च को यहाँ के मतदाता जो है मुस्तकबिल सरकार का तय करेंगे और अपनी विकास का भी मुस्तकबिल तय करेंगे और देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि अगली सरकार किसकी बनती है और किस मुद्दे पर बनती है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।